अभी मैं लगा रहा हूँ स्मार्ट कीड़ा का मॉक नंबर 27, और ये मॉडरेट लेवल का मॉक है आरबी पीओ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। बहुत दिनों बाद स्मार्ट कीड़ा का मॉक लगा रहा हूँ, तो लगाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हो गया स्टार्ट। ऑलवेज का क्या होगा? ऑलवेज यहाँ पर है और ऑलवेज यहाँ पर है, तो एच जे नहीं होगा, जे ओ ई नहीं होगा, टी वी हो सकता है क्या? हाँ टी वी हो जाएगा, एक्स टी नहीं होता, टी वी हो गया। राइट फ्रेंड, फ्रेंड यहाँ पर है और फ्रेंड यहाँ पर है, तो एच जे नहीं होगा, जे ओ ई नहीं होगा, टी वी नहीं होगा, एक्स टी हो जाएगा फ्रेंड का। और राइट का क्या होगा? राइट यहाँ नहीं है, राइट यहाँ पर है और राइट यहाँ पर है और राइट यहाँ पर है, तीनों में राइट है। एन सी नहीं होगा, एस क्यू नहीं होगा, एफ डब्ल्यू नहीं होगा, एच एस नहीं होगा, एच जे हो जाएगा, तो एच जे एक्स टी, एक्स टी है, एक्स टी फ्रेंड। वे गाइड्स, तो गाइड्स का ये रहा, तो गाइड्स का देखते हैं, गाइड्स और कहीं नहीं है, तो एच जे नहीं होगा, जे ओ ई हो सकता है, टी वी एक्स टी नहीं होगा, तो जे ओ ई हो जाएगा गाइड का। और वे का निकालना है, वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ ये रहा, वे यहाँ हो जाए, एन सी नहीं होगा, एस क्यू नहीं होगा, पी एफ डब्ल्यू हो सकता है, एच एस नहीं होगा, और एच जे नहीं होगा, तो एफ डब्ल्यू हो जाएगा, तो एफ डब्ल्यू और जॉय। वी नीड कॉन्फिडेंस, वी नीड कॉन्फिडेंस, तो वी यहाँ पर है, तो पी डी नहीं होगा, एक्स टी नहीं होगा, एन सी नहीं होगा, टी वी नहीं होगा, एच एस, एच एस, एच एस, तो वी को हो जाएगा एच एस। नीड, नीड यहाँ पर है और नीड कहीं भी नहीं है, तो एन सी नहीं होगा, एस क्यू हो सकता है, एफ डब्ल्यू नहीं होगा, एच एस भी नहीं होगा, एच जे भी नहीं होगा, एस क्यू जो है वो नीड का हो जाएगा। कॉन्फिडेंस यहाँ पर है ही नहीं, तो एच एस और एस क्यू, एच एस और एस क्यू ये रहा। वी एफ यहाँ पर नहीं है ना, तो वी एफ हो सकता है एच एस और एस क्यू के साथ। हैव वन वे, वे का तो भी निकाला ही था मैंने, क्या निकाला था वे का मैंने? एफ डब्ल्यू निकाला था वे का। और वन का क्या हो जाएगा? वन यहाँ पर है, वन यहाँ पर है, तो पी डी नहीं होगा, एक्स टी नहीं होगा, एन सी हो सकता है, टी वी नहीं होगा, एच एस नहीं होगा, एन सी हो जाएगा वन का। हैव यहाँ पर है और हैव यहाँ पर है, टी वी, टी वी नहीं होगा, पी डी हो सकता है, एच जे नहीं होगा, एफ डब्ल्यू नहीं होगा, एच एस, एच एस, एच एस नहीं होगा, तो पी डी हो जाएगा, तो पी डी एन सी एफ डब्ल्यू, पी डी एन सी एफ डब्ल्यू, पी डी एन सी एफ डब्ल्यू। देर आर एट इवेंट ऑर्गेनाइज इन एट स्टेट दिस 10 इतना अप्रैल अगस्त और नवंबर को, तो अप्रैल तीन इवेंट है ना, तो अगस्त और नवंबर डेट है यहाँ पर 10/17/24, 10/17/24, 10/17/24, 10/17/24, अप्रैल अगस्त और नवंबर। ओनली वन इवेंट ऑर्गेनाइज एनी गिवन डेट, नो इवेंट ऑर्गेनाइज बिटवीन, नो इवेंट वाज ऑर्गेनाइज बिटवीन द इवेंट टी एंड क्यू एंड बोथ ऑर्गेनाइज इन अप्रैल। टी और क्यू के बीच में कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, दोनों अप्रैल में ऑर्गेनाइज होते हैं, टी और क्यू, टी और क्यू साथ में। ओनली टू इवेंट ऑर्गेनाइज बिटवीन द इवेंट ऑफ एल एंड एम सच दैट एल वॉज ऑर्गेनाइज बिफोर इवेंट ऑफ एम, एल एम ऐसे। इवेंट इन सी एंड एफ वर ऑर्गेनाइज ऑन 10 अगस्त एंड 12/17 नवंबर रेस्पेक्टिवली, सी 10 अगस्त को और एफ 17 नवंबर। ओनली टू इवेंट ऑर्गेनाइज इन अगस्त, ओनली टू इवेंट वर ऑर्गेनाइज इन अगस्त, अगस्त के अंदर सिर्फ दो ही इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। नो इवेंट वर ऑर्गेनाइज बिटवीन द इवेंट इन सी एंड एल विच वर ऑर्गेनाइज ऑन 24 अक्टूबर, तो ये 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो नो इवेंट
वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द इवेंट इन सी और एल विच वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 24 ऑन द मंथ। ये आ गया नहीं इसमें, ये भी हो सकता है कि एल यहाँ आ जाए, यहाँ कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, या फिर एल यहाँ आ जाए रहे। इवेंट इन वी वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर सी बट बिफोर एल। आफ्टर सी कौन, वी बट बिफोर एल, ऐसा कुछ। इवेंट इन एच वाज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट। एच जो है वो फर्स्ट नहीं है और एच लास्ट नहीं। एल आ गया ना, एक दो और एम, एल के बाद एक दो और एम, और सी के बाद आना ये। टी और क्यू अप्रैल के अंदर है, तो टी और क्यू यहाँ कहीं आ सकते हैं। टी एंड क्यू बहुत ऑर्गेनाइज इन अप्रैल, और कुछ बता नहीं रखा इसके बारे में, तो टी और क्यू ऐसे आ सकते हैं। यहाँ पर भी दिक्कत आई, एच यहाँ नहीं आ सकता, तो एच कहाँ आएगा। और अगस्त में एक ही इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो एच आएगा यहाँ पर, वहाँ आ सकता है। ये वाला सही है, एच कहाँ पर आएगा, एच वहाँ नहीं आ सकता, तो एच यहाँ कहीं आने वाला है, तो एच आएगा यहाँ। टी और क्यू ऐसे बन जाएंगे। विच अमंग दीज स्टेट ऑर्गेनाइज 24 अगस्त, 24 अगस्त को एल ऑर्गेनाइज होता है। विच अमंग द स्टेट वाज इन इवेंट ऑर्गेनाइज द सेम मंथ एज एम, इनके साथ में बी और एफ ऑर्गेनाइज होते हैं। इफ द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन द स्टेट टी ऑन एन इवेंट डेट, टी जो है इवेंट डेट पर ऑर्गेनाइज होता है, देन इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट बिटवीन क्यू एंड सी, क्यू और सी के बीच में एच। क्यू बी सी टी एम, क्यू बी सी टी और एम, टी और एम, तो ये दोनों भी 30 में, ये भी 30 में, तो सी जो है वो 31 में, एच जो है वो ऑर्गेनाइज होता है 24 अप्रैल को, तो 1 में आएगा बी। क्यू का आता पता नहीं, क्यू 17 नवंबर, 17 अप्रैल, 17 अगस्त, तो यहाँ पर कैसे मिलाना है क्या ये। एच जो है वो यानी 1 बी में आएगा, और बी जो है वो 10 नवंबर, 3 में ए और 1 में बी, तो 1 में बी और 3 में ए। एट पीपल सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल बट नॉट मेंशन द सेम ऑर्डर, ओनली वन सिट एट साइड ऑफ द टेबल एंड वन सिट एट द कॉर्नर, ऑल ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सब लोग बाहर देख रहे हैं। ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ए डज नॉट सिट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ए यहाँ पर बैठ गया। ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये आ गया। डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एफ डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, एफ जो है वो मिडल में बैठता है, और डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये डी आ गया। एच सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, एच बट नॉट एडजेसेंट टू बी, जो भी साथ में नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी सी मैन काउंटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच ई मैन काउंटर फ्रॉम द राइट ऑफ, तो जी और सी और एच और ई, राइट ऑफ एच और लेफ्ट ऑफ सी। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, एफ इज नॉट इमीडिएट नंबर ऑफ बी, एफ जो डी का इमीडिएट नंबर। तो इसमें क्या होगा, एच कॉर्नर पर बैठा है, टी और सी, एफ और डी साथ में नहीं, ए सी डी मिले राइट ऑफ बी, ए डजन सी डेट कॉर्नर पर टेबल, डी सी सेकंड में राइट ऑफ सी, डी कहाँ आएगा बताया भी नहीं। एच और ई के बीच में देखते हैं, जी और सी के बीच में, जी और सी, एच और ई, एच और ई, जी और सी, डी के राइट में बी,
एच को 8 में बैठा है, एफ मिडिल में आया है, एच और बी साथ में नहीं है, एफ और डी साथ में नहीं है, ये तो बन गया। वो अगर बोलेंगे सेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एच बैठा हुआ है, अपोजिट टू बी एफ बैठा हुआ है, एफ डी बी ए जी, एफ डी बी ए जी, जी कॉर्नर में बैठा हुआ है। हाउ मेनी परसेंट से बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में, वैन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, 1 2 3 4, टू से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 जी। टी से एस जाना है, टी से मैं कहीं जा सकता, के से बी जाना है, के से एस जाऊंगा, एस से क्यू जाऊंगा, क्यू से बी जाऊंगा, तो टू का लेफ्ट हो जाएगा, ये टू है, ये करेक्ट हो गया। ए से एस जाना है, तो ए से एस जाने के लिए मुझे ए से डब्ल्यू, ये क्या है, ए से डब्ल्यू, ए से एस, ये क्या मांगा, इसको छोड़ देते हैं। एच से डी जाना है, तो एच से डी जाने के लिए मुझे एच से बी जाना पड़ेगा, बी से डी जाना पड़ेगा, लेकिन तो इक्वल में आ रहा है, एच से बी, बी से डी, और जी से ए जाना है, तो जी से एफ जाऊंगा, एफ से नहीं जा सकते, जी से ए, तो जी से ए बन, तो इधर और लग जाएगा, तो इधर और आ जाएगा, दो तीन, वन और टू में, टू और थ्री है ना, ए और जी, जी से ए जाना है, जी से एफ, एफ से एच और डी, थ्री और टू और थ्री में लगना चाहिए, इधर और एक ही चीज़ दे रखी है, बार 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 वन और टू दे रखा है, यहाँ भी वन और टू दे रखा है, तो ये गलत दे रखा है, तो इनमें से कोई तो होगा, मैं इसको ले लेता हूँ, टू और थ्री जो होगा, आर से एच जाना है, तो आर से एस, एस से मुझे जाना पड़ेगा एल, एल से एच, ये सही हो जाएगा, क्यू से एल जाना है, तो क्यू से तो कहीं नहीं जा सकते, ये गलत हो जाएगा, कहीं आर से एम जाना है, तो आर से एस जाऊँगा, एस से एम जाऊंगा, तो वन और थ्री सही हो जाएगा। नाइन स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रोल नंबर्स, द रोल नंबर्स आर नथिंग बट द फर्स्ट नाइन मल्टीपल ऑफ नाइन अरेंज्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऐसा कुछ नाइन स्टूडेंट्स के नाइन रोल नंबर, ओनली वन स्टूडेंट हैज अ रोल नंबर बिटवीन एन और आर, एल्स रोल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 36, क्यूज रोल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे रोल नंबर बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू और जे के बीच में दो जनों का रोल नंबर है, टू स्टूडेंट्स हैव देयर रोल नंबर बिटवीन जे और एम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव देयर रोल नंबर बिफोर एल इज सेम एज़ द रोल नंबर आफ्टर के, इज रोल नंबर इज लेस देन इज रोल नंबर, तो सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग देयर रोल नंबर बिफोर एम और आफ्टर एम बराबर है, पीज रोल नंबर इज लेस देन ओज रोल नंबर, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हू हैव देयर रोल नंबर बिफोर एल इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बिफोर एल और आफ्टर के भी बराबर है, टू स्टूडेंट हैव देयर रोल नंबर बिटवीन जे और एम, जे और एम के बीच में दो हैं, टू स्टूडेंट हैव देयर रोल नंबर बिटवीन क्यू एंड जे के बीच में भी दो हैं, क्यू रोल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किधर है क्यू, परफेक्ट स्क्वायर कौन है, ये रहा क्यू, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, क्यू और जे के बीच में एक दो, ये जे आ गया, एक दो, ये जे आ गया, ये जे आ गया, ये जे आ गया, जे और एम के बीच में दो जने, एक दो, ये एम आ गया, एक दो, बाहर आ गया, एम के बीच में दो जने, इसको भी बाहर पड़ेगा, ये एम आ गया, और वन ओनली वन स्टूडेंट हैज रोल नंबर बिटवीन एन और आर, एन और आर के बीच में एक है, और एल्स रोल नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 36, एन जो 36 का मल्टीपल है, अभी यहाँ पर था कि एन के ऊपर, एम के नीचे और एन के ऊपर था, एक दो, एक दो, ये एन आ गया, और एक दो, ये एन आ गया, इसको हटाओ, ये क्या है, ये है जे और एल, एन और आर के बीच में एक जना,
चार के बीच में एक जगह उसको हटा देते हैं। अरे एल जो है वो 36 के मल्टीपल में है, यानी 36 है 72 है, 36 तो होगा नहीं, एल यहाँ आ जाएगा, एल अगर यहाँ है तो के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक चीज लिखी हुई है कि पी का रोल नंबर ओ, आर का रोल नंबर 45 है, ओ का उससे कम होना चाहिए लेकिन यहाँ था ही नहीं, तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा एल को 36 और 72 बनाना पड़ेगा। तो एल या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, एल अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो पॉसिबल नहीं है, तो एल यहाँ आएगा तो के आएगा यहाँ पर। और अब मुझे देखना है आर का रोल नंबर है 45, ओ का रोल नंबर उससे कम और पी का रोल नंबर उससे कम। व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ जे, तो 54। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव देयर रोल नंबर बिटवीन एन और के, एन और के के बीच में चार स्टूडेंट हैं, 4। 63 है एन का रोल नंबर, ऑड वन आउट, क्यू 81, जे 54, पी 9, पी 9 है, जे 54 है, क्यू 81 है, एम 36 है, क्या नहीं है। रोल नंबर बोलेंगे तो लोएस्ट रोल नंबर पी, ये क्या है। वन डे टू फ्रेंड्स अक्वर डिसाइड टू गो टू द मूवी, एट अ सर्टेन टाइम दैट टू ऑफ देम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द हाउस फॉर अ मूवी, द फाइनल स्टॉप इज द मूवी थिएटर। अमन हाउस इज अमन ऑन पॉइंट ए, अकबर हाउस इज ऑन पॉइंट जी विच इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। तो ये है अमन का हाउस पॉइंट ए, अकबर का हाउस है पॉइंट जी 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, ये अकबर है। अमन लीव्स हिज होम फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक 20 मीटर टू द वेस्ट टू रीच पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी टेक द फर्स्ट राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर टू रीच पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी ये टेक टू लेफ्ट टर्न 25 मीटर ईच, एक 25 और दूसरा 25, डी एंड रीचेस पॉइंट डी एंड मूवी थिएटर रेस्पेक्टिवली, ये डी है ये मूवी आगे। अकबर लीव्स हिज हाउस फ्रॉम पॉइंट जी, ही स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जी, वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट एंड रीच पॉइंट आई, 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट आई टेक यू फर्स्ट राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट जे, ये 10 मीटर ये दिया गया। फ्रॉम पॉइंट जे टेक लेफ्ट टर्न एंड रीच पॉइंट एच विच इज 15 मीटर अवे, लेफ्ट टर्न एच जाएंगे 15, 30 और 15 45 मतलब फिक्स यहाँ पर आ गया 15। हाँ मतलब फाइनली ये टेक द राइट टर्न एंड वॉक 25 टू रीच थिएटर, ये आ गया 25। वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड पॉइंट डी, जे और डी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 15 का 225 हो गया, ये 25 और 25 50 हो गया, 50 का 2500 हो गया, तो ये 5 2 7 2 27 25 हो जाएगा। वॉट इज द टोटल डिस्टेंस विल कवर अकबर कवर्स फ्रॉम हिज होम इफ ही गो ऑन द सेम राउट एज अकबर, क्या अकबर जो है कि दोस्तों सेम राउट ऑफ अमर, अमर में कैसे चला 20 60 85 85 95 105 110 110 के रूप में। एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, एच जो है वो बी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, एच किधर है, एच किधर है, जे से लेफ्ट टर्न लेता है एच की तरफ, ये है एच, एच इज इन विच डायरेक्शन टू पॉइंट बी, साउथ वेस्ट। विजिटर के अंदर इतने पेयर हैं आगे पीछे, तो बी आई एस आई टी ओ आर टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल एम एन एस टी यू बी आई जे के एल टी यू बी आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स ओ पी क्यू आर एस टी टी एस टी यू बी आई जे के एल एस टी यू बी आई जे ए की कॉन्सोनेंट इज चेंज द प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच वोवल रिमेन अनचेंज्ड, देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन एटलीस्ट टू कॉन्सोनेंट, वोवल अनचेंज है और ईच कॉन्सोनेंट चेंज प्रीवियस लेटर, तो जे के पीछे कॉन्सोनेंट आता ही है, तो ये हो गया एफ और एम, एफ के पीछे भी कॉन्सोनेंट आता है, इसमें नहीं हुआ, वर्ड एटलीस्ट टू कॉन्सोनेंट, ये नहीं हुआ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के पीछे भी ओ यू वी, इसमें भी नहीं होगा एच वी एफ,
बी के पीछे यू आ गया, एच, और एफ इसमें नहीं होगा, सी वाई आर, बी आएगा वाई के पीछे ई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इफ ऑल द लेटर्स इन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मेनी लेटर आर बिटवीन द सेकंड, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद इन द वर्ड्स। ऑल द वर्ड्स आर अरेंज एज पर डिक्शनरी फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्ड को अरेंज करना है लेफ्ट से राइट में डिक्शनरी फॉर्म में, मतलब सी एच जे ओ डब्ल्यू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो जे आ गया। इफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू द रिवर्स अल्फाबेट एज पर द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, तो मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे, तो जे का होता है क्यू, क्यू एफ एन कुछ नहीं होगा, डब्ल्यू का होता है डी, डाई हो जाएगा, ये हो गया, ओ का होता है 15 12, एल, तो एल यू वी, लव क्या होता है नहीं पता मुझे। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज देन वी इज एडेड बिफोर द फर्स्ट लेटर इन द ईच वर्ड, फर्स्ट और थर्ड लेटर को इंटरचेंज करना है, फर्स्ट और थर्ड एन एफ जे ई आई डब्ल्यू बी यू ओ एफ बी एच आर वाई सी एंड वी इज एडेड बिफोर फर्स्ट लेटर, वी वी वी, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, व्यू होता है, बिना फंक्शन कुछ नहीं होता, एक हो जाएगा व्यू। ऑल सनशाइन इज सनराइज, ऑल सनशाइन इज सनराइज, ये सनशाइन है और ये सनराइज है। ऑल सनशाइन इज सनसेट, ऑल सनशाइन जो है, ऑल सनशाइन इज सनराइज, ऑल सनशाइन इज सनसेट, सनसेट यहाँ भी हो सकता है, सनसेट यहाँ भी हो सकता है। ऑल सन इज सनसेट, सन अंदर कहीं आ सकता है, सम सन इज सनसेट, कुछ सनराइज इज सनसेट, कुछ सनराइज जो है वो सनसेट है, हाँ ये तो सही है। सम सनराइज इज सन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सनराइज जो है वो सन है, ये पॉसिबिलिटी है, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, तो बहुत अच्छे। सम संडे इज मंडे, कुछ संडे मंडे है, ऑल ट्यूजडे इज मंडे, ऑल अरे ऑल ट्यूजडे इज मंडे, सम मंडे इज फ्राइडे, कुछ मंडे और फ्राइडे, तो नो ट्यूजडे इज फ्राइडे नहीं पता, ऑल ट्यूजडे बीन संडे इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ट्यूजडे बीन संडे इज अ पॉसिबिलिटी, यस सेकंड आ जाएगा। 8% नेसेसरी फेसिंग द नॉर्थ, हम लोग जो है नॉर्थ देखा, उसके बाद में क्या है, 2% ऑफ सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में दो बंदे हैं, 1% सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, ई सेट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, ये सी आ गया, ये ई आ गया, ये सी आ गया, 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, सो नॉर्थ ही देख रहे हैं, ठीक है। 2% सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, एक दो ये डी आ गया, एक दो ये डी आ गया, जी सेट द इंटीरियर लेफ्ट ऑफ डी, एटलीस्ट 1% इज सिटिंग बिटवीन ए और एच, ए और एच के बीच में कम से कम एक बंदा बैठता है, कम से कम एक। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी और जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए और ई, बी इज नॉट द नेबर ऑफ ई, बी जो है वो ई का नेबर नहीं है, ए और बी के बीच में मुझे दो जने बैठाना है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, ए और बी अब दो जने यही बैठ सकते हैं, ए बी को लिखता हूँ, यहाँ पर ए और बी मुझे बिठा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा, तो इसके अंदर यहाँ भी आ सकता है, तो बढ़ता है सी और जी के बीच जितने बंदे बैठे हैं, कितने, एक बंदा बैठा है सी और जी के बीच, उतने ही ए और ई के बीच होंगे, ए और ई के बीच में एक ही बंदा होगा। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड सी एंड जी सेम बिटवीन ए और ई, सी और जी के बीच में एक बंदा, तो ए और बी के बीच में जी और सी के बीच में एक दो तीन बंदे बैठे हैं, तो ए और ई के बीच में एक दो तीन बंदे बैठेंगे, तो ए आएगा यहाँ पर, एक दो तीन, अब बी आएगा यहाँ पर, क्योंकि बी और ई साथ में नहीं बैठता है, ए और एच के बीच में कम से कम एक बंदा तो बैठा ही है, ज़्यादा ज़्यादा कितने भी बैठ सकते हैं, तो एच आ गया, ए बी सी डी ई एफ, 7% सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, 4% बैठे, 4 आ जाएगा। Who's among the following is at one of the end, E or B? ई तो है ही, ई भी है क्या, वो अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन डी और एच, डी और एच के बीच में एफ बैठा है, क्वांट करते हैं,
486 डिवाइडेड बाय 4, 4 कम 6, 486 डिवाइडेड बाय 4 बराबर 15 है, सपोन 10, तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10, 2 से 2 कट गया, तो यह आ जाएगा 9 16, 2 1 2 81, दिखा रहा है ये 81, ये है 729 का 27 हो गया, माइनस 256 का 16 का 4 हो गया, 4 माइनस 16 का 23 बचेगा, प्लस एक्स बराबर 30, तो ये 7 आ जाएगा। 5% ऑफ 600, 6 बन गए 30, प्लस 12% ऑफ 150, 150 होता है 3/2, 3 18 48 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू, ये क्या है, ये 2/10 का स्क्वायर है, इंटू ये 50 हो गया, 50 2 100, तो 50 × 2 98 हो जाएगा, ये हो गया 14 × 18 × 20 × ये है 5/100, तो 20 5 5 5 गए, 18 4 75 2 7 18 1 18 7 25, 200, ये है 485, मुझे 561 जोड़ना है, 5 में 6 14, ये आ गया, इसमें से 548 चटा दूंगा, 16 में 8 गए 8, 9 आ जाएगा यहाँ पर, या 4 हो गया, इसमें से मुझे क्या करना है, 375 घटाना है, 3 आ गया 2 आ गया, 123 आ गया, इसको देखते हैं अभी, क्वालिटी रही नहीं, चलो बढ़िया, तो क्वालिटी नहीं है, अजय अर्न से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम विच ही स्पेंड 80% ऑफ द मनी एंड सेव्स द रेस्ट, द पाई चार्ट गिवन शोज द परसेंटेज ब्रेकअप मंथली सैलरी इनटू डिफरेंट एक्सपेंडिचर में और सेविंग्स में, तो 20% सेव करता है, बाकी सब उड़ा देता है, ये पैसा कितना कमाता है ये कुछ ज़्यादा पता नहीं। द मनी स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल 18 है, वो कितना परसेंट है टोटल एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर लगती है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 18 5 90 बटे 4, 4 4 4 8, 2 22.5 आ जाएगा। ये बजे स्पेंड 5400 ऑन रेंट, रेंट का मतलब हो गया 24% की वैल्यू है, 5400% की वैल्यू हो गई है, तो हाउ मच मनी इट इज सेव, 20, ये 5, ये 6 6 9 54 9 5, इफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी एंड स्कूल फी इज इतना, तो 0 39 39, ये ग्रोसरी और स्कूल फीस को मिला करके, तो ग्रोसरी है 6 और स्कूल फीस है 26, 1% की वैल्यू आ गई, मंथली सैलरी कितनी है 100 है, तो 13 2 26, 13 3 39, 2 से काटेंगे 150, 15 15 15, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 16,000, 80% की वैल्यू दे रखी है 16,000, तो ये 1% की वैल्यू आ गई, डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ द मनी, सेविंग एंड मनी स्पेंड ऑफ ग्रोसरी, ग्रोसरी पे 6 है, सेविंग 20 है, डिफरेंस हो गया 14 का, 1 0 0 8 2 16 14 2 28, 28, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड क्लोथ्स, क्लोथ्स पे 12 है, रेंट पे 24 है, वहाँ से 12 है, यहाँ से 6 है, 18 इज वॉट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल फीस, स्कूल फीस पे है 20, ये क्या हो गया 9 10 हो गया 90% हो गया, इसके बाद में क्या उठाता हूँ, एक और डी आई है यहाँ पर, द बार चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन 5 डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, ये 5 लड़कियाँ हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये है 5 6 7 8 9, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये टोटल परसेंटेज ना, ये क्या है, ये 1 2 3 4 है, लेकिन ये यूनिट में है तो मैं इसको 55% ले सकता हूँ, ये 55 हो जाएगा, तो बाकी बच्चों को क्या हो गया 45 हो गया, 1 2 3 4 आगे
45 ये हो गए हमारा क्या, 1 2 3 4, 10 में 4 गैप है, 62.5, ढाई ढाई हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा, बाकी बचे हो क्या हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, ये क्या है, ये 35% है तो ये 65 हो जाएगा, ये क्या है, ये 12.5 है तो ये हो जाएगा कितना, बाकी 12.5, देख लीजिए ये 40 है तो ये 60 है, ये 100 और 12.5, 87.5। इफ क्लास 5th एंड क्लास 6 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ना रेशो ले लेता हूँ, ये है 9, ये है 11, ये क्या रेशो है, 62.5% है टोटल का, टोटल अगर है फिर 8, ये है 5, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 35% का मतलब 7/20, तो टोटल अगर 20 है इसमें 7 है तो इसमें 14 हो जाएगा, 12.5% का मतलब 1/8, तो मैं 1 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो ये हो गया 2/3। इफ द फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ एंड एट्थ में ये 5 और 7 में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर आर दो सुपर गर्ल्स इन क्लास 5, बॉयज़ कितने होंगे, मैंने मान लिया 100 जने हैं या फिर 100 जने नहीं, 100 नहीं होंगे, 11 और 2 ये 20 है, 14 और 7 21 है, मैंने मान लिया 420, 420 है इसमें, तो देखना होगा 41 हो गया नहीं तो 21 20 ही तक, एंड देर आर 270 गर्ल्स इन क्लास 5, 270 गर्ल्स इन क्लास 5, 270 का मतलब हो गया 30, 30 का मतलब हो गया ये 330 हो गया और 270, 600 जन हो गए टोटल, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 8, 8 के अंदर बॉयज कितने हो जाएंगे, 600/21 इंटू 7, 200 हो गया, वैल्यू 270 दे रखी है, 30 हो गई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा इसके अंदर 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 21 के बराबर है, 7 की वैल्यू चाहिए बॉयज क्लास 7, 7 की 21, 3 से काटूंगा तो 10 आएगा, 200 ही आना चाहिए, कक्षा 5 में लड़कों की संख्या 200 नहीं आ रही, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन फिफ्थ टू दैट इन एट्थ इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन एट्थ टू दिस, सेवन्थ और एट्थ में कहाँ हुआ है, रेशियो ऑफ बॉयज जो है बोल रहे हैं 14/3, 14/3 या 7/1 दिया गया, तो इसको मैं 2 सेकंड में लिख देता हूँ, 14 हो जाएगा तो ये तो वैल्यू है, और ये 2 सेकंड ये 7 है ना, 7/2 ये आधा है, 3 आधा डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास दिस इज 96, 96 एंड दैट इन क्लास 8 इज 36, 96 क्लास 8 में 36, 6x 36 60 आ जाएगा, 8 6 48, 480 आना चाहिए, इफ द स्टैंडर्ड ऑफ ऑल फाइव क्लासेस बिकम इक्वल देन दिस क्लास विल हैव द सेकंड हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इफ द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 5 एंड 9th इज इतना और इतना, 5 की स्ट्रेंथ है 240 और 9th की स्ट्रेंथ है 350, बड़े जनरल नंबर ऑफ बॉयज, तो ये 20 हो जाएगा, 12 12 इंटू 11, 132, 5 7 साल में 14 140, 2 7 और 2, 2 1 2, 36 36, इसके बाद में
नीतू सूरज एंड नितिन टुक एन एग्जाम ऑफ थ्री डिफरेंट थ्री आवर ड्यूरेशन अटेम्प्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच नीतू सूरज एंड नितिन नीता है क्या द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आवर इज इतना 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 शी अटेम्प्ट 22 मोर क्वेश्चन देन सूरज ये फर्स्ट आवर ये सेकेंड आवर ये थर्ड आवर ये टोटल तो 9 8 3 9 8 3 इसने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा किए सूरज से ठीक है ये अटेम्प्टेड 14 क्वेश्चन इन सेकेंड आवर ट्वाइस ऑफ दैट इन द थर्ड आवर twice of that in the third hour and twice that in the first hour. उसने दूसरे घंटे में 14 प्रश्न हल किए तीसरे घंटे में उसके 2 गुना 14 गुना 28 और पहले घंटे में उसके 2 गुना 28 गुना 14 14 सर 18 1 2 3 और जो 3 घंटे इसमें 22 ज़्यादा है तो 120 हो जाएगी तो 9 और 8 17 18 19 20 तो 6 आ जाएगा 6 3 18 लास्ट में क्या है नितिन ही अटेम्प्टेड हाफ ऑफ द टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन इन द फर्स्ट आवर 40 इन द सेकंड आवर एंड 8 इन द थर्ड आवर 8 इन द थर्ड आवर 40 इन द सेकंड आवर इसने पहले घंटे में कुल किए गए प्रश्न का आधे प्रश्न दूसरे घंटे में 40 और तीसरे घंटे में टोटल मानो 2y किए थे यहाँ पर y अटेंड किए तो y प्लस 48 बराबर 2y ये जाएगा उधर तो y की वैल्यू आ गई 48 48 और 2y हो जाएगा 96 इन द एग्जाम 4 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क्स डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर 8 क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय सूरज इन इनकरेक्ट सूरज ने 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट है 90 क्वेश्चन सही है 90 के लिए उसको 4 मार्क मिले और 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट के लिए उसके डिडक्ट भी कर लिए व्हाट इज हिज स्कोर बी करेक्ट आंसर सूरज 98 तो 8 हटा देंगे ना इसमें से 300 In the exam, 4 marks are awarded for each correct and 1 mark is awarded for each wrong. If Neeta scored 405 marks, Neeta ने 405 marks score किए 120 question. How many question did he attempt correctly? तो next question के 4 marks मिले होंगे minus 5 बराबर कितने 405 और x plus y बराबर 120 पाँच एक्स बराबर 5 2 5 एक्स बराबर 1 0 5 अटेम्प्ट करेक्टली 105 व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय ऑल थ्री ऑफ देम इन द सेकंड आवर सेकंड आवर में 8 4 12 15 1 4 4 9 1 10 102 3 और 4 एज कंपेयर टू द स्टिल वाटर वी वोट मूव 20% फास्टर अलोंग द स्ट्रीम फाइव पॉइंट्स तो यहाँ पर 5 है तो 6 इफ स्ट्रीम स्पीड इज 4 ये 4 है वॉट डाउन स्ट्रीम स्पीड विल द बोट कवर इन स्टिल वाटर बोट इन फास्ट अलोंग द स्ट्रीम ये दिया तो 5x बराबर 6x प्लस 6y तो ये दिया एज कंपेयर टू द स्टिल वाटर फास्टर ये 6 है ये 5 है 6x ये 5 ये 5 ये इधर है x बराबर 5 तो ये 4 है तो ये 4 मुझे 20 हो जाएगा नॉट डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस विद द बोट कवरिंग 6 डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जो भी चिपके सो जो भी सो भी रेगुलरली कवर द जर्नी ऑफिस A tank A is inlet pipe and B is an outlet pipe. When the tank was empty, A was open. 6 hours later, when the tank was half empty, B was open. C started up with A.
चिराग हु वॉज बॉर्न 15 ईयर एगो इज 5 ईयर एल्डर टू हिज ब्रदर। चिराग जो कि 15 साल पहले पैदा हुआ था इज 5 ईयर एल्डर, चिराग 5 ईयर एल्डर टू हिज ब्रदर कश्यप। चिराग 15 साल का है तो कश्यप जो 10 साल का है और अपनी बहन विंकी से 3 वर्ष छोटा है। चिराग तो विंकी 18 साल की है। अब से 2 वर्ष बाद चिराग की आयु विंकी की आयु के प्रतिशत के रूप में क्या होगी? विंकी 20 साल, 85%। टू हिज सिस्टर विंकी 2 ईयर फ्रॉम नाउ व्हाट विल बी द एज ऑफ कनिष्क? अरे यार ऐसे परसेंटेज यहाँ पर 60%। द रेशियो ऑफ एयर बी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन बी इज डिक्रीज बाय 25% एंड एज डिक्रीज बाय 12 इफ द वैल्यू ऑफ बी इज 30। बी की वैल्यू 30 होगी, बी इज डिक्रीज बाय 25%। +5 +5 -15 +25 -35 +45 45 55 12 18 36 तो ×2 ×3 ×6 है ये 12। ये 6 का गैप है, ये 18 का गैप है, ये 16 22 34 54 84। ये 6 का गैप है, 22 32 33 34 34 24 20। ये 30, तो ये हो जाएगा 2 × 3 3 × 4 4 × 5 5 × 6 6 × 7 49 6 × 12 126 20 9 22 5 24। इसका हाफ हाफ करके -1 2 + 3 + 4 हाफ करके -6 4 11 26 58 120। ये 7 का गैप है, 15 का गैप है, 2 + 3 × 2 + 4 × 2 + 5 × 2 + 6 × 2 + 7 240 ये क्या है? × 3 × 3 × 3 × 3 तो डिवाइड बाय 3 चल रहा है ना, तो 3 होनी चाहिए। द एवरेज ऑफ एयर बी 60, एयर बी का एवरेज जो है वो 60 है, 120 टोटल हो गया। बी और सी का टोटल हो गया 108 एंड सी और ए और सी का टोटल हो गया 6 8। द वैल्यू ऑफ बी तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ या इसमें से, तो सी माइनस बी बराबर 6 और 6 और सी प्लस बी बराबर 108 है। बी की वैल्यू हो जाएगी 8 6 2 21 हो जाएगी। A product is sold at a profit of 20% after 2 successive discount of this and this. The mark price of product is how many times its cost price? तो mark price 100x ले लिया मैंने, तो इसको 1/6 का डिस्काउंट दिया, 5/6 पे और 20% का डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट ऑफ 20%। ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है?
देखते हैं कैसा रहा। लास्ट में तो माइंड ही नहीं चल रहा था, तो देख लो फिर कितने गलत हो गए। 3% रीजनिंग में गलत हुई, देखना पड़ेगा क्या गलत है। तो ये गलत हो गया इसमें, ये तो चलो। हाँ ये तो, इफ नीदर कंक्लूजन इज ट्रू। अरे यार ये भी था क्या ऑप्शन में, मुझे लगा ऑप्शन ही गलत है। उसके बाद ये कैसे गलत हो गया, टोटल डिस्टेंस विल अकबर कवर फ्रॉम हिज होम इफ ही गो इन द सेम राउंड एज अमर। अकबर कवर फ्रॉम हिज होम, वो मैंने कितना लगाया, 110, 130 आएगा क्या, ये 20 से जुड़ेगा क्या। अरे अजीब ही हो सकता है। और ये क्या था, फर्स्ट और थर्ड में हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, इसलिए मैं मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन करता ही नहीं। व्यू, अरे ये स्पेलिंग गलत है क्या। अरे यार मैं तो क्या बताऊँ, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, अब मैं कभी करूँगा ही नहीं मीनिंगफुल वाले, मेरे को करनी ही नहीं। तो ठीक है मैथ में तो सारे सही है, थोड़ी सी पता नहीं मुझे, थोड़ी सी लेंदी सी लगी मैथ। बाकी आपने दिया तो आपको पता ना कैसा रहा। ये क्या था, ये कहाँ रह गए। अरे यार मैं तो मतलब ये BI के क्वेश्चन रह गए। अरे द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय नितिन इज वन क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय नीतू, अरे भाई 80%, 2 नंबर यहाँ चले गए क्या है। अब भी हो गई पता, ठीक है आप लोगों ने दिया तो आप भी बताना। मैंने तो बहुत गलती कर दी यहाँ पर, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए, बट लेवल अच्छा था, क्वेश्चन अच्छे थे, डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत अच्छा था एक तो, और एक जो पजल थी वो भी बहुत अच्छी पजल थी, ये वाली किधर गई, ये वाली पजल 9 का मल्टीपल 81 एक दो, क्या था ये भी अच्छी पजल थी। तो आप भी लगाना और बताना क्या रहा इसको, ठीक है, और लाइक कर देना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।